हमारा उद्देश्य क्राइम को कम करना है, ना कि क्राइम को बढ़ावा देना। जो बच्चियां हैं वो अपनों के ही हाथ से शिकार हो रही हैं, शारीरिक शोषण हो रहा है उनका, डोमेस्टिक वायलेंस उसी के कारण बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, यानी अपने घर की तरफ ध्यान रखें। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दृष्टिकोण, जिसके जरिए हमारा उद्देश्य क्राइम को कम करना है, ना कि क्राइम को बढ़ावा देना। हमारे समाज में आसपास युवा लड़कियों के साथ में बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। आज इसी विषय पर बातचीत करने हमारे साथ में आई हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और आपके जरिए जितने भी देख रहे हैं लोग, सभी को मेरी नमस्ते। डॉक्टर साहब, बीजिंग कन्वेंशन में एक प्रोग्राम हुआ था जिसके अंतर्गत ये था कि क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड को ख़त्म किया जाएगा, तो आप हमें ये बताएं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जी, दरअसल जब 25 साल पहले ये बीजिंग कन्वेंशन हुआ था तो यही फैसला लिया गया था कि औरतों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जुर्म हो रहा है, इसको कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस समय बहुत से फैसले लिए गए थे कि ये सब अगर करेंगे तो आने वाले 25 सालों में हम काफ़ी फ़र्क देख सकते हैं। सो उसके लिए कुछ जो बनाए गए थे उनकी तरफ से कि ये काम करने हैं हमने, वो सारे किए या नहीं किए गए, उनका फैसला होना था। अब इसी महीने 25 साल पूरे हुए हैं, पर उसके साथ एक बड़ी शर्मनाक जो और हमारे सामने आई है तस्वीर, वो ये कि यूनाइटेड नेशंस जो है, उन्हीं की तरफ से, पॉपुलेशन फंड की तरफ से जो रिजल्ट्स निकले हैं वो हैं कि जो जिस गर्ल चाइल्ड के खिलाफ हमने कम करने का उस समय फैसला लिया था, वो क्राइम अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड 200 गुना के लगभग करीब उसके करीब बढ़ चुका है। यानी हम सोच सकते हैं कि जितने भी उस समय फैसले लिए गए, या वो सही नहीं थे या वो पूरी तरह लागू नहीं किए गए, ये इस वक्त हमें पड़चोल करने की ज़रूरत है कि कहाँ कमी रह गई। जी डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट भी है जिसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि ये क्राइम इतना हो चुका है? जी, दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की तरफ से भी कुछ आंकड़े आए हैं हमारे पास जी। और कुछ फिगर्स हैं जो मेडिकल जर्नल्स में, जहाँ के आप समझ सकती हैं कि डॉक्टर्स के पास कितनी लड़कियाँ लाई जाती हैं, किस बीमारी के तहत वो लाई जाती हैं, या किस तरह का उनके साथ छेड़छाड़ कोई जिस्मानी हुआ हो, या फिर इमरजेंसी में जो रिपोर्ट्स हुई हो, उस तरह के काफ़ी केसेस जो पुलिस तक नहीं पहुंचते, वो मेडिकल जर्नल्स के ज़रिए या फिर कुछ जो हमारी जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके ज़रिए पहुंच जाते हैं। उन्हीं के हिसाब से इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर से जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, वो उनके हिसाब से जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें लगभग 37 से 41% जो बच्चियां हैं वो अपनों के ही हाथ से शिकार हो रही हैं, शारीरिक शोषण हो रहा है उनका, जो कि अपने घर में उनके चाहे अपना रियल फादर हो, ब्रदर हो, चाचा, ताया या कोई सर्वेंट हो, उन्हीं के हाथ से वो बच्चियां जलील हो रही हैं। और मैं ये ज़रूर आपको बता देना चाहती हूँ कि हम शारीरिक शोषण से लेते क्या हैं, कि कानून के तहत अगर चलें तो उनको जांघों के भीतर या छाती को छेड़ना, टच करना, उसको भी हम क्राइम ही गिनते हैं। और इसी तरह पेनिट्रेशन अंदरूनी अंगों में हो, या किसी और चीज़ का डालना, जो कि मेडिकल जर्नल्स में, जैसे आपने पूछा, हमारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं, एक्सरे रिपोर्ट्स हैं, जिनमें हमारे पास हैं सबूत के वो रियल फादर जो बच्ची का था जी, उसी ने पेंसिल, पिन्स और इवन सोटी का छोटा टुकड़ा तक उसने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जो ऑपरेशन के साथ निकालना पड़ा। उस बच्ची का यूट्रस भी फट गया। यानी इस हालत तक ये सारा जा रहा है। और ये काफ़ी इस वक्त, यानी आप समझ सकती हैं 37 से 41% जो गिनती कितनी ज़्यादा बड़ी है। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य क्राइम को कम करना है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य माँ बाप को सचेत करना है, ना कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना।
डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। आगे ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया कि घर से शुरू होता है, तो कैसे पर्सन होते हैं जो ये इस टाइप का काम करते हैं? जी, दरअसल जो घर में जितनी रिपोर्ट सामने आई हैं हमारे, तो उनमें किसी ना किसी तरह के या तो उनको दिमागी कोई प्रॉब्लम होती है जी, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स के असर के नीचे ये सारा कुछ वो कर जाते हैं जी। और जहाँ तक यानी अपने ही सगों की तरफ से ये जो हो रहा है उनमें, तो ये ज़्यादा कारण। और ये दिमागी परेशानी जिसके अधीन कुछ हिस्से दिमाग के लगभग आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण रूप से वो ख़राब हो चुके हों, वही हैं जो बाद में आप देख सकेंगे कि सीरियल रेपिस्ट तक बन जाते हैं, मर्डर्स कर जाते हैं या और चोरियां या इस तरह की जो चीज़ों में चले जाते हैं आगे। तो इन लोगों को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे या उस चीज़ को दबा देंगे, जो आम तौर पे क्या करती हैं माएँ कि ये हुआ तो मैं चुप रह जाऊँ सामाजिक शर्म के ज़रिए, उसके कारण ये नहीं बोलती, पर उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो बीमारी जो है अंदर वो बढ़ती रहती है। उसका इलाज ना करने से और लड़कियां भी शिकार होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उसी के कारण बढ़ता जा रहा है। वही इंसान जो अपनी बच्ची का इस तरह बलात्कार करता है, वो उस इस चीज़ में उसको मज़ा आने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी को पीटा, मारा और गालियाँ निकाली, यानी वो इस तरह का दिमागी बीमार हो जाता है जिसका इलाज करने की ज़रूरत है। अगर नहीं उसको हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो इसका मतलब है वो बाकी समाज भी गंदा कर रहा है जी। युवा लड़के लड़कियां जो होती हैं वो अक्सर ऐसा काम अनजाने में भी कर जाते हैं, और युवा लड़कियों को लालच कैसे दिया जाता है? जी, दरअसल आजकल पीयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अगर आप देखेंगे विज्ञापनों में तो कितनी भी खूबसूरत कोई लड़की हो उसको ये कहना कि अगर ये लगेगा तो खूबसूरत लगोगे, और अगर आपकी तरफ किसी लड़के ने आकर्षित होना है तो आपको ये करना पड़ेगा। यानी हम उसके छोटे से टेंडर माइंड को ये ट्रेन करते हैं कि आपको खूबसूरत लगना है तभी आप समाज में रह सकती हैं, जो आप हैं वो आप संपूर्ण नहीं हैं। ये हमने पहले ही डाल दिया उसके दिमाग में कि आपको अगर एक्सेप्टेंस आपकी होनी है समाज में तो वो तभी होगी कि अगर आपकी इस तरह की भवें होंगी, इस तरह के बाल होंगे, इस शैम्पू से नहलाएंगी, यानी उसको हमने पहले उस सारे में जकड़ दिया कि ये आपने बनना है। और उसका नतीजा होता है कि उसने वो सभी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना, सो कॉल्ड प्रेजेंटेबल। मैं ये नहीं कह रही कि उन चीज़ों के बगैर वो बच्ची खूबसूरत नहीं है, क्योंकि हमने तय कर दिया है कि बच्ची अगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो तो दिमाग को नहीं बिल्कुल लेना, अपने शक्ल देखनी है, शक्ल खूबसूरत है कि नहीं, उसके बाल इस तरह के लंबे हैं या नहीं, किस साबुन से नहलाया, उसने परफ्यूम कौन सी लगाई, इसके हिसाब से उस बच्ची को हमने खुद एक वस्तु बना के पेश कर दिया। तो नतीजा है कि जो बच्ची नॉर्मल तरीके से जिसने पढ़ना था या दिमाग पढ़ाई की तरफ या कुछ अपने देश के प्रति कुछ करने की इच्छा या कोई स्पोर्ट्स में आगे एक्सेल करना था, वो सारा कुछ छोड़ के बच्चियां इस वक्त सिर्फ अपने कैसा मैं दिख रही हूँ, कैसी मेरे को समाज ने चाहा, मेरे को सीटियां बजी, मेरी तरफ लोगों की नज़रें उठी तो मैं प्रेजेंटेबल हूँ वरना नहीं हूँ, वो इस तरीके इतनी जल्दी वो खिंची चली जाती हैं किसी भी दूसरे की तरफ कि आज मेरे को मोटरसाइकिल ऑफ़र हुआ बैठने के लिए तो मैं पता नहीं आज मैंने क्या कर दिया, तो मेरे को जाना है ये दिखाने के लिए कि मैं अपने बाकियों में से सुपीरियर हूँ। यानी उसको हमने इस तरीके से घेर दिया कि वो खुद ही उस जाल में फंस जाती है और फिर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता बचता नहीं है जी। तो सब जिन लड़कियों का शोषण हो चुका है, यौन शोषण, तो उन लड़कियों का ट्रीटमेंट किस टाइप का होना चाहिए? जी, दरअसल यानी हमारी डॉक्टरी जो खोज हो चुकी उसकी हिसाब से हमें ये साबित हो चुकी जो चीज़ें हैं कि इस तरह की बच्चियां जिनके साथ कोई भी ऐसा शारीरिक शोषण हुआ हो या भद्दी छेड़छाड़ हुई हो, तो उनका मानसिक
जो प्रॉब्लम, जो मेंटल प्रॉब्लम है वो परमानेंट होती है, स्कारिंग हो जाती है, जिसके साथ वो सारी उम्र किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना सकती। किसी भी मर्द को देख के वो घबरा जाती हैं, रोती हैं, चीखती हैं, उनकी जो नॉर्मल फीचर्स आपको दिखने लग जाते हैं कि वो सहम जाती है बच्ची, रोने लगती है छोटी सी बात पे, या उसका रात को बिस्तर पे पेशाब करना शुरू कर देती है उसको, यानी इस हालत में वो चली जाती है कि ज़रा सी चीख भी कहीं सुन जाए तो वो बेहोश तक हो जाना, उसमें इस तरह के लक्षण दिख सकते हैं। तो ज़रूरत है उसको पहले इमीडिएटली साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि उसको माँ की तरफ से या घर की और औरतों की तरफ से या डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसको पहले तो वो सपोर्ट ज़रूरी है। फिर उसके साथ जो और प्रॉब्लम्स हों, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स, अगर टीयर्स हैं या और इन्फेक्शन हो गई हैं, उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। पर इन बच्चियों को एक या दो दिन की नहीं, लगभग आप हिसाब अगर लगा के चलें 4-5 साल लग जाते हैं इनको नॉर्मल वापस अगर रेगुलर सपोर्ट साइकोलॉजिकल मिले तभी, नहीं तो ये उम्र भर दोबारा बिल्कुल नॉर्मल हो ही नहीं सकती। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इतनी बड़ी गिनती में अगर हम अपनी बच्चियां मानसिक रोगी बना लेंगे तो किस तरीके के उनके आगे बच्चे होंगे हम खुद ही समझ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस क्राइम को किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल। पहली बात जो हम पहले भी कई प्रोग्राम्स में करते रहे हैं कि सबसे पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, यानी अपनी घर की तरफ ध्यान रखें कि अगर घर में हमारी ही बच्ची की तरफ किसी की बुरी आंख पड़ रही है तो इसका मतलब है कि उसको ना सिर्फ बच्ची को बल्कि हमने अंदर बंद कर देना है, बल्कि उस बंदे का ट्रीटमेंट ज़रूरी है जी। अगर माँ देख रही है माँ कि ये हो रहा है, चाहे वो बाप है या कोई भी घर का बड़ा है, तो उसको पहले स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये मेरी बच्ची है, मैं इसके लिए खड़ी हूँ, ये मैंने नहीं होने देना। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने ही बेटे को जो उसके घर में है उसको ट्रेनिंग दे कि किस तरीके से आपने दूसरे की लड़की, अपने घर की लड़की के साथ आपने बिहेव करना है। और सबसे बड़ी बात कि एक कंप्लीट नो टू दी वॉयलेंस। अगर आप अपने पति से मार खा रही हैं तो एक एनजीओ की ज़रूरत है, जो बहुत सारे घरों की, जितनी भी औरतें इस वक्त डोमेस्टिक वॉयलेंस, जो कि बहुत बड़ी गिनती है, 2/3 ऑफ द होल ऑफ द सोसाइटी, अगर ये इकट्ठी हो जाएं और हम एक तरीके से समझाएं कि घर के जो मर्द हैं वो, उनको हमें बराबर की इज्जत देनी चाहिए, तो जो बच्चा घर में पल रहा है उसके परमानेंट मेंटल डिफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मैंने भी आगे जाके यही करना है जी। पहली बात घर से शुरू होगी। फिर है कि हमारे समाज में जहाँ निकलना है, स्कूल्स का रोल है कि वहाँ क्या अध्यापकों ने सही राह उनको दिखाई, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जहाँ स्कूल्स में जो हमारे टीचर्स की तरफ से रेप हुए केसेस हमारे सामने आए हैं, वहाँ भी स्ट्रांग हमें मैसेज देना पड़ेगा सोसाइटी को कि क्या टीचर्स का रोल है। फिर समाज का रोल होता है आगे कि क्या उनके जहाँ जितने भी बड़े हैं उन्होंने कोई ऐसे पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये जहाँ भी ये कहीं होगा हम उनसे सोशल बाइकॉट कर देंगे, हमने ऐसा होने नहीं देना। फिर मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जी, कि क्या उन्होंने किसी भी छोटी बच्ची को अपनी पढ़ाई की तरफ जाते हुए या स्पोर्ट्स की तरफ जाते हुए उनको भी कभी इसी तरह बहुत ज़्यादा आगे लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, या सिर्फ उनको एक वस्तु बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऐसे गाने जिनमें औरत के जिस्म की तारीफ हो रही हो, इनके संपूर्ण बाइकॉट होने की इस वक्त ज़रूरत है। और लास्ट ऑफ ऑल फिर बात शुरू होती है कि गवर्नमेंट की, उनका रोल क्या है, क्या कानून वाकई लागू हो रहा है, और अंत में आता है कि क्या धर्म इसमें कोई रोल अदा कर रहा है, क्या उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि हमारा समाज बिगड़ रहा है। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर धर्म है किसके लिए जी। हमारा धर्म, सभ्यता और संस्कृति अनमोल है, इसे संजो के रखना आपका काम है, इसलिए क्राइम को कम से कम करें। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।